Hello, I am Sachidanand Pandey. Today I am going to explain the force, namely pseudo force. आज हम pseudo force के बारे में पढ़ेंगे, frame of reference के बारे में पढ़ेंगे, inertial frame of reference के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि frame of reference क्या है. तो नाम से ही जैसे जाहिर है कि frame of reference क्या है, तो टॉपिक्स का नाम दे देंगे frame of reference, लिख देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम है जिसमें कोई ऑब्जर्वर नहीं, किसी फिजिकल फेनोमेनन का एक्सप्लेन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे. तो कोई पूछेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एंड मेक्स हिज ऑब्जर्वेशन, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो लिख लेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख लीजिए ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस reference in which an observer is situated and makes its of his observation. Observation is called frame of reference. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, frame of reference बोलते हैं. कहा गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच एन ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एंड मेक्स हिज ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. द रेफरेंस फ्रेम इज एसोसिएटेड विथ, इसका लिखेंगे ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज associated with a system, coordinate system. A frame of reference is associated with coordinate system. ये क्या, किससे रिलेटेड है? कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड है. इन विच एन ऑब्जर्वर time, position and time scale. टाइम स्केल उसी में वो क्या रखता है, वो अपना सारा सामान रखता है जिसकी वजह से वो सब चीज़ को मेज़र कर लेता है. नहीं, जैसे उसमें वो रखेगा क्या क्या चीज़ रख लेगा, तो पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नापने के लिए अपना स्केल रखता है. इन विच ऑब्जर्वर हैव डिवाइस
आईज वॉच घर ही रखता है एंड ए स्केल नहीं टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी एज वेलोसिटी वेलोसिटी को नापने के लिए एक्सेलरेशन को नापने के लिए नहीं इस चीज़ को नापने के लिए वो अपना डिवाइस रखता है। तो हम लोग सीख लिए क्या कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक ऑब्जर्वर क्या करता है अपना स्केल रखता है, वॉच रखता है, जिसकी वजह से वह एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम को क्या करता है मेजरमेंट कर लेता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम बता देंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें कोई ऑब्जर्वर नहीं फिजिकल क्वांटिटी का ऑब्जर्वेशन करता है विद द हेल्प ऑफ ए स्केल टाइम वॉच विद द हेल्प ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ और बाय एनी अदर मेथड्स। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड का वह क्या करता है यूज़ करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो लिखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो लिखेंगे देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखेंगे देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो तरह का रेफरेंस होता है, पहला का नाम है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरे का नाम है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब सवाल होता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, तो एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें ऑब्जर्वर क्या करता है कि किसी भी बॉडी का ऑब्जर्वेशन उस बॉडी का ऑब्जर्वेशन करता है जो बॉडी या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही हो। नहीं इट मीन्स इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहला के बारे में लिखेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर स्टडी या ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर मेजर्स ऑब्जर्वर मेजर्स या ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मेजर्स दे ऑब्जर्वर मेजर्स द स्टडी या ऑब्जर्वर स्टडी अबाउट द बॉडीज अबाउट द बॉडी विच इज इन रेस्ट और मूविंग विथ मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कहने का मतलब कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह है जिसमें हम क्या करते हैं ऐसे बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं जो या तो वह रेस्ट में है
या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वह किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इट मीन्स इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी स्टडी अबाउट ए बॉडी विच इज़ इन रेस्ट और मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी स्टडी द बॉडी विच इज रिलेटेड टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और विच इज़ अप्लाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसमें हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को अप्लाई करके उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लीजिए कि कोई एप्पल अगर गिर रहा है या कोई मैंगोज गिर रहा है ट्री से, तो उस टाइम में मेरा अर्थ जो है वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। ठीक है, तो अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एज्यूम कर सकते हैं, मैंने करते हैं डायरेक्टली नहीं, लेकिन हम उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दूसरे प्लैनेट के अगर हम मोशन की बात करेंगे तो इसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम के रूप में नहीं एज्यूम करेंगे। ठीक है, यानी जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगे वह क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। जिसमें बॉडीज़ का इस मोशन के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन नहीं हो। ठीक है, हम ऐसे बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो या जो रेस्ट में हो, यानी जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं। दैट सिस्टम इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके जस्ट अपोजिट हम लोग करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम उस बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जो एक्सेलरेटेड होता है। एक्सेलरेटेड बॉडी का हम स्टडी करते हैं, उसमें न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई होता है नहीं, तो उसके बारे में जो रोटेशन करता है, ऐसे पार्टिकल जो रोटेट करता है किसी ओरिजिन के अलोंग, एक्सेलरेट होता है विथ रेस्पेक्ट टू एन ओरिजिन, किसी सिस्टम एक्सेलरेटेड सिस्टम में जो हो और वो एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एक झूला पर झूल रहा है, सर्कुलर वो झूला झूल रहा है, मान लीजिए उसमें हाथी घोड़ा बनाया होता है झूले में, बच्चा उस पर बैठा हुआ है, तो बच्चा तो रेस्ट में है, वो तो बैठा हुआ है, लेकिन वो उसके क्या कर रहा है, झूला चारों बगल घूम रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो ग्राउंड पर खड़ा हुआ व्यक्ति को कैसे लगा कि वो एक्सेलरेट करता है, जबकि रियल में है क्या कि वो बच्चा उस खिलौने पर जो हाथी घोड़ा बना हुआ है उस पर वो रेस्ट की अवस्था में है, लेकिन ऑब्जर्वर या ऑब्जर्व करता है कि वह किस स्टेट में है, तो वहाँ पर वो एक्सेलरेटेड है। तो इस तरह की स्टडी जिस हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करते हैं उसका नाम है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है उसको भी लिख लेंगे। हम लोग पढ़ेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है जी, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, लिखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या लिखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोला जाता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इन विच न्यूटन सेकेंड लॉ इज अप्लाइड, दैट मीन्स दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच
we apply Newton's second law. न्यूटन सेकेंड लॉ को हम अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग सीख लिए, कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई किया जाता है, यानी बॉडी जो होता है एक्सेलरेट होता है with respect to other frame of reference, दूसरे frame of reference के respect में क्या होता है, वह accelerate होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए frame of reference और inertial frame of reference and non-inertial frame of reference। अब जो हम पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम है pseudo force, और pseudo force जो apply होता है वह होता है non-inertial frame of reference के लिए। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्यूडो फोर्स कैसे अप्लाई होता है इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो एक टॉपिक का नाम है जिसको हम लोग लिख लेंगे, नॉन इनर्शियल इट मीन्स स्यूडो फोर्स, एक का नाम है ये है, ये रियल फोर्स नहीं है, ये फिक्टिटियस फोर्स है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे स्यूडो फोर्स, PSEUOD, pseudo, PSEUDO, यहाँ पर DO, pseudo, pseudo force, PSEUDO, pseudo force, ये pseudo force है। pseudo force उस सिस्टम में लगता है जो accelerated हो, नहीं एक्सेलरेटेड हो यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह है जिसमें पार्टिकल्स क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है, किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रोटेट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट मीन्स स्यूडो फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी विच इज एक्सेलरेटेड, इट मीन्स विच इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग क्या देखे हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह है, वह कोऑर्डिनेट सिस्टम जो क्या करता है, एक्सेलरेट होता है दूसरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में, जो अदर सिस्टम जो कि रेस्ट में है और दूसरा क्या है, एक्सेलरेटेड होता है, तो उस सिस्टम के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं वही क्या कहलाता है, स्यूडो फोर्स कहलाता है। इट मीन्स स्यूडो फोर्स में हम लोग पढ़ते हैं, पहले इसमें स्यूडो फोर्स लगता किस में है, तो स्यूडो फोर्स इट मीन्स ए नॉन इनर्शियल, ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये अप्लाई होता है। दैट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ए कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज एक्सेलरेटेड और रोटेटेड अराउंड ओरिजिन। ठीक है, इसमें कहा गया है विथ रेस्पेक्ट टू अब जैसे मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लिया कि एक
कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ एक्स है और ये वाई है, इसका नाम हम एस रखते हैं और ये मेरा ओरिजिन है। ये सिस्टम में एक पॉइंट है पी, ठीक है, ये सिस्टम रेस्ट में है और यहाँ एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए यहाँ से आर है, दिया हुआ है, यहाँ पर पी पॉइंट एक मान लिया, ये पी पॉइंट है जिसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है आर, पोजीशन वेक्टर बता रहा है, ठीक। अब एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स इसका है और ये वाई है, इसका नाम देते हैं एस डैस और ये हो गया मेरा ओ डैस। अब मेरा कहना है कि ये जो एस डैस जो है ये एक्सेलरेटेड है, यह कौन सा है, यह नॉन इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, और ये क्या है, रेस्ट में है तो इनर्शियल है, ये इनर्शियल है, ये रेस्ट में है। इसमें हम स्टडी करते हैं इस पॉइंट पी का, जो कि यह पॉइंट क्या है, रेस्ट में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, और ये क्या नॉन इनर्शियल है, यानी ये क्या है, एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है। और इसके ओरिजिन से अब इसका पोजीशन इंडिकेट कर रहे हैं, मान लीजिए ये आर डैस है और इस ओरिजिन से इसका ओरिजिन के डिस्टेंस मेरा कैपिटल आर है, ये पोजीशन इस तरह से दिखाया गया, ये एक्सेलरेटेड होता है। अब इसके रेस्पेक्ट में इसमें जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो पॉइंट पी जो है ये एक्सेलरेट हो रहा है, इसमें जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है कि ये क्या है, रेस्ट में है, तो इसका हम पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन और इसका उस ओ डैश से पी का पोजीशन निकालेंगे, उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा, फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा, तो एक्सेलरेशन निकल जाए तो जो एक्सेलरेशन जो आया अगर उसमें मास से हम गुना कर देंगे तो वो मेरा फोर्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका ट्रायंगुलर रूल ऑफ एडिशन से हम देखते हैं, इन ट्रायंगल वी ऑब्जर्व या वी सी दैट, हम क्या देखते हैं कि ओ डैश प्लस ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ पी, ये मेरा वेक्टर है ट्रायंगुलर रूल ऑफ एडिशन, यानी इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल, दैट्स इक्वल टू टेल ऑफ वेक्टर आर एंड हेड ऑफ वेक्टर ओ पी, इसको ज्वाइन कर दें तो हमें निकालना है ओ पी डैश, ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ डैश, ओ पी का वैल्यू कितना है, ये दिया है आर डैश, ओ पी इज इक्वल टू कितना है आर है और ओ डैश मेरा कितना है, तो ये कैपिटल आर है। इस तरह से ये पोजीशन दिखा रहा है, इस पी पॉइंट का पोजीशन का इंडिकेट कर रहा है दोनों एक्सिस से, यहाँ से एस से भी और एस डैश से भी। अगर इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे टू टाइम, नहीं डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट इट टू टाइम्स अगर हम डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या होगा, यहाँ हो गया डी स्क्वायर आर डैश बाई डी टी स्क्वायर इजकल टू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, इतना देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, डी डबल स्क्वायर आर, तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया, यानी कहने का मतलब ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन, यह हो गया ए आर डैश का एक्सेलरेशन इक्वल टू ए आर हो गया एक्सेलरेशन, रियल एक्सेलरेशन यही है आर इसका, अब माइनस यहाँ पर हम रख देते हैं ए रख देते हैं, डी स्क्वायर बाई आर का एक्सेलरेशन मेरा ए हो गया। अब दोनों और मल्टीप्लाइंग बाई एम ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई एम ऑन बोथ साइड,
दोनों ओर हम मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया जी, यह हो गया एम ए आर डैश, ठीक है, यह हो गया एम ए आर, ठीक है, ये फोर्स के रूप में आएगा, यह हो गया एम ए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि ये जो मेरा एफ डैश जो हुआ, यहाँ पर जो मेरा एफ डैश जो हुआ या रियल एफ है वो, उसमें से हम क्या करते हैं, ये मेरा एफ पी जो है यही मेरा स्यूडो फोर्स है। तो एपियर्ड जो फोर्स जो मेरा होगा वो नेचुरल फोर्स से में से क्या होगा, कम होगा वो। तो यानी कहने का मतलब मेरा होगा यहाँ पर एफ पी एस जो है यही क्या है, स्यूडो फोर्स है, जो एपरेंट फोर्स जो यहाँ से जो एस डैश से मालूम पड़ेगा या इसके द्वारा जो मालूम पड़ेगा कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स एफ डैश लग रहा है, जो रियल फोर्स से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एफ पी डैश जो है अपोजिट डायरेक्शन में इसके फोर्स लग रहा है। तो यहाँ एफ पी डैश को ही हम लोग स्यूडो फोर्स कहेंगे, यह एक एडिशनल फोर्स है जो रियल फोर्स से क्या होता है, अपोजिट वर्क करता है। अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में यह वर्क करेगा, अगर डिसेलरेट हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में डिसेलरेट हो रहा है वह उसी डायरेक्शन में उसका प्लस हो जाएगा। यानी माइनस कब हुआ, ये माइनस कब होगा, जब एक्सेलरेट हो रहा है, ये प्लस कब होगा, जब बॉडी क्या होगा, डिसेलरेट होगा। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग फ्री फॉलिंग बॉडीज़ में भी देखें, लिफ्ट में भी देखें, कि बॉडी जब ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो उस समय जो वेट होता है वह कम हो जाता है, यानी उसमें हम एडिशन कर देते हैं, और जब वो नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है तो हम उसमें से घटा देते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो नेचुरल जो ट्रू वेट जो होगा वह नहीं हो पाता है, या तो उसमें बढ़ जाता है वेट या घट जाता है। जब बॉडी ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है लिफ्ट में तो वेट मेरा बढ़ जाता है, वो डिसेलरेट जो होता है तो घट जाता है। उस तरह से जब बॉडी नीचे की ओर, लिफ्ट मेरे नीचे की ओर आ रहा है और नीचे की ओर बॉडी एक्सेलरेट करता है, तो वैसी स्थिति में मेरा वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और डिसेलरेट जब होता है तो मेरा जो है वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेरा नेचुरल वेट जो है उससे अपीयरेंट वेट क्या हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, ड्यू टू ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडीज विच इज एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड इज नोन एज स्यूडो फोर्स। दिस इज ड्यू टू द स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स के बारे में हम लोग सीख लिए। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है उससे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है, तो नेचुरली इसके वेट जो हो जाएगा mg हो जाएगा, नीचे इस बॉडी का mg हो जाएगा, ऊपर मेरा एक रिएक्शन फोर्स r हो जाएगा, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। यानी एग्जैक्टली इस पर जो फोर्स लग रहा है, ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है, हॉरिजेंटल रेस्ट में है, नहीं तो हॉरिजेंटली इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वर्टिकली जो फोर्स लग रहा है वो है आर इज इक्वल टू एम जी के बराबर, मेरा फोर्स लग रहा है, यही फोर्स लग रहा है। अब देखेंगे इसका ऑब्जर्वेशन हम तीन जगह से करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो ऑब्जर्व कर रहा है, नहीं यहाँ पर खड़ा होकर के ये ऑब्जर्व कर रहा है कि इस बॉडी के बारे में देख रहा है, इसका नाम अगर हम रखेंगे पी, यह देख रहा है कि ये बॉडीज क्या है, रेस्ट में है और इस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, चूँकि अभी बॉडी यहाँ क्या है, रेस्ट में है और ये ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में है। नाउ अब दूसरा एक देखते हैं कि यहाँ बगल में ट्रैक पर एक यहाँ पर गाड़ी चल रही है, ट्रैक पर है, इसी ट्रैक पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसी पर ये क्या है, खड़ा है, और खड़ा होने के बाद ये ऑब्जर्व करता है, इसको देखता है, और जिसका वेलोसिटी या भी वेलो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये चल रहा है,
ये वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है। फिर एक ऑब्जर्वर यहाँ है, यह भी एक ट्रैक पर है, लाइन पर ये चल रहा है, ठीक है, बगल में चल रहा है, इस पर ये खड़ा होकर के ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है कि इसको देख रहा है इस बॉडी, और ये एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेट हो रहा है। इसका नाम पी करते हैं, इसका नाम क्यू करते हैं, इसका नाम एम करते हैं। अब तीनों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग होगा। ऑब्जर्वेशन बाय पी क्या है, पी इज इन रेस्ट, पी मेरा क्या है, पी रेस्ट में है, सो ही ऑब्जर्व्स दैट क्या ऑब्जर्व करता है, बॉडी इज इन रेस्ट। ये कहेगा कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। क्यू क्या कहेगा, क्यू पर्सन, क्यू जो मैन है, ये क्या बोलेगा जी, क्यू मैन कहेगा क्या कि द बॉडी इज इन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बोलेगा द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी टुवर्ड लेफ्ट। लेफ्ट की ओर ये आ रहा है भी वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी टुवर्ड्स भी, और डायरेक्शन होगा माइनस भी। ये कहेगा कि माइनस भी से इधर आ रहा है। नाउ एम मैन जो है, एम क्या करेगा, एम मैन जो कहेगा वो कहेगा द बॉडी इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स, ये इधर भाग रहा है, बॉडी इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट विथ एक्सेलरेशन ए, नहीं माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे बोलेंगे। तो तीनों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। ये इसके अनुसार ये डिसेलरेट हो रहा है, ये लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन चल रहा है। इसके अनुसार क्यू के अनुसार क्या हो रहा है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। पी के अनुसार क्या हो रहा है, यह जो है रेस्ट में है। तो दीज आर दी सिस्टम्स जो एक्सेलरेटेड है। तो स्यूडो फोर्स किसके कारण लगेगा, इस एक्सेलरेटेड पर्सन के कारण लगेगा, इस यूनिफॉर्म के कारण, या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और इसके कारण जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम के कारण है। तो रियल फोर्स तो इस पर आर इजकल टू एम जी लगता है, जो वेट लग रहा है, और इस पर इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वह कह रहा है कि ये बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बॉडी इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, सो ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट, दैट फोर्स इज नोन एज स्यूडो फोर्स विच इज अपोजिट टू दी, ये एक्सेलरेट हो रहा है राइट साइड डायरेक्शन में, और इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वह लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि नेचुरल में ऐसा कुछ भी, कोई भी फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रहा है। तो दैट फोर्स इज नोन एज फिक्टिटियस फोर्स, नॉट रियल फोर्स, दैट इज वर्चुअल फोर्स, अपेरेंट फोर्स नहीं, ये ऐसा मालूम पड़ता है, रियल फोर्स नहीं है। दिस इज ड्यू टू द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस फेनोमेनन इज नोन एज क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आज की पढ़ाई हम इतना ही पर समाप्त करते हैं, फिर कल दूसरे इस स्यूडो फोर्स पर और भी एप्लीकेशन, और भी न्यूमेरिकल हम लेकर आएंगे और आप लोगों को बताएंगे। यह बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, फिर हम बात आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।